आदाब नमस्कार सत श्री अकाल सलाम अलैकुम। मेरा नाम राजेश संवत्सरकर है। आज हम श्रीनगर से पहलगाम जा रहे हैं। श्रीनगर से पहलगाम करीबन 2 घंटे का रास्ता है और वो हमें वैली से होते हुए लेके जाएगा। आज हम पहलगाम में बेताब वैली, प्रीसान और चंदनवारी और अरु वैली, ये 3 जगहों को देखेंगे और सिर्फ देखेंगे। लोग कहते हैं बहुत सुंदर है, लेकिन वो सुंदर नहीं, हम खुद अपने आंखों से देखने वाले। श्रीनगर से पहलगाम हम 1.5 से 2 घंटे में पहुंच गए। पहलगाम चंदनवाड़ी, नेचुरल ग्लेशियर, चंदनवाड़ी में चारों तरफ से ऐसे बहुत सारे खूबसूरत नज़ारे आपको देखने मिलेंगे। चारों तरफ बर्फ ही बर्फ और बहुत ही सुंदर दृश्य आपको देखने मिलेंगे। तो अभी हम पहलगाम से होते हुए चंदनवाड़ी आए हैं और चंदनवाड़ी ये लास्ट स्टॉप है। यहाँ से आपने जैसे देखा कि बर्फ है, यहाँ लोग खेल रहे हैं, यहाँ से अमरनाथ यात्रा शुरू होती है। अमरनाथ यात्रा का ये शुरुआत है जहाँ से आपको घोड़ा मिलता है या फिर डोली मिलती है। गवर्नमेंट ने रेट्स पूरे फिक्स किए। अगर आप देखेंगे ये यात्रा की यहाँ से शुरुआत होते हुए वहाँ पे आप स्टेयर केस दिख रहे हैं, आप उसको देख सकते हो। यहाँ पे स्टेयर केस है, ये ऐसा चला जाता है। यहाँ से सबसे पहले आपको शेषनाग 12 किलोमीटर पे एक लेक है जो हिंदू स्थल है, जहाँ पे लेक में लोग स्नान करते हैं और उसका आनंद लूटते हैं। जैसे कहते हैं कि हिसाब से वो पावन माना जाता है। और शेषनाग का ही ये जो अभी पानी जो हम देख रहे थे, शेषनाग का ही ग्लेशियर का पानी, जो लेक का पानी वो बह रहा है। उसके आगे यहाँ से 32 किलोमीटर आपको बाबा अमरनाथ की गुफा मिलेगी, जो पिंड है उसका हम उसको नमस्कार करते हैं। लोग वहाँ मैंने क्या भावना से वहाँ जाते हैं, अपना नमन करते हैं। और करीबन गवर्नमेंट का रेट डिक्लेयर्ड है घोड़े का, यहाँ से अगर जाएंगे तो करीबन 1 दिन कम से कम लगता है उसका, 7,500 से 8,000 रुपया है। और अगर आप ढोली से जाओगे तो करीबन 12-11, पिछले साल 11,000 था, इस साल का अभी वो शुरू होने वाली है पता नहीं, लेकिन गवर्नमेंट रेट डिक्लेयर करती है। तो ये यहाँ से आप जा सकते हैं। अगर पैदल जाओगे तो कम से कम आपको 2 दिन लगेंगे, क्योंकि मुश्किल रास्ता है और पथरीला रास्ता है, बीच में स्नो है, पानी है और झरने बहते हैं, तो उसको क्रॉस करते करते जाना पड़ता है। रात को रुक सकते हैं वहाँ पे, बहुत सारे अलग अलग लोगों के कैंप्स होते हैं और उस कैंप में आप रुक के खाना भी फ्री में मिलता है और वहाँ से होते हुए नेक्स्ट डे आप कैरी कर सकते हैं। घोड़ा जाता है और वापस लेके आता है 7,500-8,000 रुपये में। वैसे ही डोली का भी होता है, जाती है और वापस आपको लेके आता है। तो ये है अमरनाथ यात्रा का यहाँ से शुरुआत। जय बाबा भोलेनाथ, 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 भोलेनाथ महाराज की जय। चंदनवाड़ी से होते हुए आप कुछ ही देर में बेताब वैली पहुंच जाते हैं। बेताब वैली में एक खूब सुंदर सा गार्डन है जिसका आप
आनंद उठा सकते हैं। भाई साहब, ये है बेताब वैली और आप देख सकते हैं यहाँ पे बेताब वैली इसी के लिए हुआ है क्योंकि बेताब नाम की फिल्म यहाँ शूटिंग हुई थी। नीचे सनी देओल और अमृता सिंह, कई साल पहले की बात है। सोचो कितना सुंदर माहौल रहेगा, चारों बाजू से सुंदर सुंदर पहाड़ियाँ है, वो बर्फ की पहाड़ियाँ है, ये भी बर्फ की पहाड़ी है। अभी मौसम की वजह से क्या है, ढक गया। नीचे देखो ये पूरा शेष गंगा से बहती हुई ग्लेशियर का पानी, अरे सुंदर सा गार्ड है। क्या नज़ारा है, वाह 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 वाह, बस मन खुश हो गया भाई, वाह वाह वाह। बादल यू बरसता है, डर ऐसा मुझे लगता है, लपक लपक के ये बिजली हम पे गिर जाए। नहीं टेनिंग टिंग टिंग टेनिंग टिंग टिंग, यही बेताब का गाना था। मजा आया दोस्तों? तो मैं अभी पहलगाम से जा रहा हूँ अरू वैली, और पहलगाम से अरू वैली करीबन 14 किलोमीटर है दूर, और रास्ता आप देख सकते हैं बहुत ही छोटा सा नैरो कच्चा सा रोड है। अभी नेचर कहा गया तो थोड़ा सा कच्चा तो होगा ही, सब कुछ पक्का पक्का तो मिलेगा नहीं। आप देख सकते हैं ब्यूटीफुल स्नो ग्लेशियर्स, और वो देखो फॉल, बहुत सुंदर सा झरना, ग्लेशियर का झरना। नमस्कार सर, तो अभी हम आरू वैली आ चुके हैं, और आरू वैली जो है वो आरू की पौधा होता है, पेड़ होता है, और आरू जिसे पीच होता है ना, पीच, रेड पीच, येलो पीच, वो पीच ही होता है, छोटा सा अलग सा फल होता है यहाँ पे जो उगता है। इसी के लिए उनके बहुत सारे यहाँ पे ट्रीज है, तो उसे नाम आरू वैली हुआ है। और आप मेरे आपने देखा होगा कि बहुत सुंदर सा चारों तरफ से पहाड़ है, और आप अगर देख रहे हो ये जो घर दिख रहा है यहाँ पे, आप इसको जूम करके दिखाइए, ये घर है ना कर्मा में दिलीप कुमार का घर दिखाया गया है। और ये आरू वैली इतनी फेमस है कि हिंदी और साउथ की बहुत मूवीज़ होती है। हिंदी के अगर मैं दो तीन नाम ले लूँ तो जब तक है जान, रॉक स्टार, और ऐसे बजरंगी भाईजान, ऐसे बहुत सारी मूवीज़ होती है। मतलब यहाँ पे सैकड़ों मूवीज़ हो चुकी है, और कितना सुंदर दृश्य है चारों तरफ से, बहुत सुंदर पहाड़। और जहाँ पे आप देख रहे हो कि अभी तो मौसम के हिसाब से दिख नहीं रहा, लेकिन ये सारे ग्लेशियर्स है, सारे ग्लेशियर्स है, बहुत सुंदर, ऑसम, मज़ा आ गया भाई, मज़ा आ गया। ऐसा हमारा श्रीनगर से पहलगाम पहुंचने के बाद पहलगाम का ये ट्रिप सक्सेसफुल हुआ, जहां हम बेताब वैली गए, आरू वैली गए और चंदनवारी गए। अभी ये जो नज़ारा है आप पहलगाम के सिटी सेंटर से देख रहे हैं, इसको आप एंजॉय कीजिए। जय हिंद।